हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज अफसर एंड यू वाचिंग टेक्निकल अफसर यूट्यूब चैनल। सो यार, एक चीज़ देखकर ना मुझे बहुत बुरा लगा है। इन लोगों ने भी बहुत मेहनत की है हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर, इतने सारे टास्क को कंप्लीट किया, गेम को प्ले किया, प्रॉफिट पर हवर को इनक्रीज़ किया, कई सारे गेम्स अच्छे तरीके से भी खेले, और यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट ने उन लोगों को चीटिंग इज़ बैड का वो दे दिया था, एक कार्ड अचीवमेंट का। तो अब कई सारे लोगों के इसमें से चला गया था भाई, जिन लोगों को चीटिंग इज़ बैड मिल गया उनको मिल गया, और बाकी लोगों के इसमें जिनको नहीं मिला उनका हट गया था। तो अब एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर सामने निकल कर आई है। अब जिन लोगों को ना चीटिंग इज बैड का कार्ड मिला था, अब उन लोगों के हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर डायरेक्टली ये शो कर रहा है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में ये क्या है और आपको इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। भाई सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और भाई साथ में हकीकत में मुझे दिल से बुरा लग रहा है कि आप लोगों को जो चीटिंग इज़ बैड मिला है, आपने यहाँ पर मेहनत की है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, और उसके बाद चलकर आपको ये मिला है। देखो, फेयर तरीके से गेम को प्ले करना काफ़ी बढ़िया बात है, बट अगर आप अनफेयर तरीके से भी गेम प्ले कर रहे हो, उसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं बल्कि हैमस्टर कॉम्बैट की है कि उसने इतने सारे गेम्स को इंट्रोड्यूस किया। अगर गेम इन ऐप होते तो बात अलग थी कि भाई हमको टेलीग्राम के ऐप के अंदर ही खेलना है, बाहर नहीं जाना है, बट यहाँ पर टेलीग्राम के बाहर वाले ऐप्स को इंस्टॉल करना है और वहाँ पर चार चार घंटे लगाकर दो दो कीज़ निकलती थी, या फिर पाँच पाँच छः छः घंटे खेलने के बाद में चार कीज़ निकलती थी। ये बहुत गंदा वो गेम है। तो यहाँ पर ना ऐसी सिचुएशन में चीटिंग करना ज़रूरी हो जाता है, और लोगों ने चीटिंग की है, और यहाँ तक कि मैंने भी अपने अकाउंट के ऊपर किया है ये सारी चीज़ें, बट कुछ लोगों ने ना इसको सही तरीके से नहीं किया है। जैसे भाई कहीं से भी कीज़ उठा ली है, कोई भी की उठा ली, एक की यहाँ की, एक की वहाँ की उठा ली, तो यहाँ पर जो है ना डिवाइस का भी प्रॉब्लम पड़ जाता है। दूसरी बात, आप जो कीज़ डाल रहे हो तो उसका टाइम डिफरेंट का भी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे कि आपने लिया और कीज़ धड़ाधड़ आपने डालना स्टार्ट कर दी, तो ऐसा नहीं डालते हैं। कीज़ को जब डालना होता है तो आपको एक की अभी, एक की दो घंटे चार घंटे के बाद, फिर एक की और दो घंटे चार घंटे के बाद, हर गेम की ऐसे अगर आप डालेंगे तो फेयर तरीके से हैमस्टर कॉम्बैट को लगता था। तो मैं आपको बता दूं, जो आप कीज़ को लेते थे बाहर से वो थी सेफ़, बट उसको यूज़ करने का तरीका गलत था। बट मैं आपको यही नहीं बोलूँगा कि अब आप नेक्स्ट सीज़न के अंदर भी यूज़ करो, बिकॉज़ यहाँ पर अब आप लोगों ने, जिन लोगों ने कीज़ को यूज़ किया है या फिर जो भी यहाँ पर आपने गलती की थी, आपको आ चुका है चीटिंग इज़ बैड, यू हैव बीन चीटिंग दिस सीज़न। तो ये बता रहा है कि भाई आपने इस सीज़न में चीटिंग की है, नेक्स्ट सीज़न प्ले फेयर एंड टेक द ड्रॉप। तो आपको नेक्स्ट सीज़न अच्छा खेलना है और आपको अपना एयर ड्रॉप लेना है। इसका मतलब यह है कि इस सीज़न में आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर हम एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो नीचे बता रहा है कि भाई सितंबर 26, 2024, और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर हम जाएंगे दूसरे अकाउंट के ऊपर एंड यहाँ पर एयर ड्रॉप वाले सेक्शन के अंदर अगर जाएंगे तो यहाँ पर यह बताता है कि भाई टोकन्स का ऑप्शन, अब सीज़न वन इज़ ओवर एंड वी आर कैलकुलेटिंग यूर रिजल्ट, दे विल बी रेडी सून। तो ये रिज़ल्ट बहुत जल्दी सून हो जाएगा, आई थिंक एक दिन या दो दिन, या फिर हो सकता है कि सुबह तक हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप विड्रॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको विड्रॉल के ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपने कौन सा वाला विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। बट यहाँ पर जिन लोगों का चीटिंग इज़ बैड आया है, उन लोगों को कम्प्लीटली यहाँ पर सब कुछ हटा कर डायरेक्टली इन लोगों ने बता दिया है कि भाई आपने चीटिंग की है और आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अब क्या करना होगा, तो भाई अगर आपके पास पेशेंस है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो हुआ वो जाने दो, अब हम नेक्स्ट सीज़न के अंदर अच्छा प्ले करेंगे, तो यहाँ पर अब इनका गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको पहले टास्क, सिफर, कॉम्बो और मिनी गेम, मतलब पज़ल वगैरह सॉल्व करने को मिलते थे, बट अब वो चीज़ें हटा दी गई है। आपको कॉम्बो और साइफर कोड नहीं कम्प्लीट करना होगा, जैसे कि मैंने आपको मेरे कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि कल से आपको साइफर और कॉम्बो कम्प्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कम्प्लीटली गेम चेंज कर दिया है हैमस्टर ने। अब यहाँ पर जस्ट ये पूरा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म हो चुका है, मतलब कि ये गेमिंग ऐप हो चुका है, जहाँ पर जस्ट आपको गेम्स देखने को मिलेंगे और गेम्स के बेस के ऊपर ही आप अपने डायमंड को बढ़ाएंगे और उसके बेसिस के ऊपर ही आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। और अब जो आपको एयर ड्रॉप नेक्स्ट वाला मिलेगा वो लगभग 3 या 4 महीने के बाद मिलेगा। तो अगर आपको पेशेंस रखना है तो आप रख सकते हो 3-4 महीने का, अगर आपको पेशेंस है तो आप प्ले करो, अदरवाइज मत करो। बिकॉज आप यहाँ पर प्ले करेंगे 10-20-30 हज़ार रुपये के लिए आपके 4 महीने चले जाएंगे, बट वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम बाद में और कभी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इनका डायमंड का क्या सीन है। तो भाई अब आपको जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप मिलेगा, मैं अपने एंड से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है
कि आपको जो भी यहाँ पर डायमंड बनेंगे इसके बेसिस के ऊपर मिलेगा, और डायमंड की जो प्राइस वैल्यू रहेंगी वो काफ़ी बढ़िया रहेंगी। बिकॉज यहाँ पर हम अर्न वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं, अगर आप यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे तो आपको एक डायमंड मिलेगा, अगर आप फॉलो करेंगे एक डायमंड मिलेगा, फ्रेंड्स को सेंड करेंगे 3-7 फ्रेंड को सेंड करेंगे 8, मतलब कि अब आपको डायमंड कम मिलेंगे। पहले जो आपको भर भर के कॉइन्स मिलते थे ना मिलियंस में बिलियंस में, वो अब नहीं मिलेंगे, और जो आपका प्रॉफिट पर हवर है वो भी यहाँ पर इसके हिसाब से बनेगा। तो भाई जितने आपने ये लिए, अब देखो प्रॉफिट पर आवर कैसे मिलेगा मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर जाएंगे, हम देखो प्ले ग्राउंड वाले ऑप्शन में जाएंगे, मिनी गेम्स वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे ना, हम यहाँ पर अगर हेक्सा पजल को अगर स्टार्ट करते हैं तो हेक्सा पजल स्टार्ट करने के बाद ये हमको ऊपर बता देता है कि अपडेट टेलीग्राम न्यू वर्जन, ये दिखा रहा है यहाँ पर। बट एक्चुअल में क्या है पता है, यहाँ पर ये आपको दिखाएगा प्रॉफिट पर हवर। तो यहाँ पर ना आप ये गेम्स को प्ले करेंगे हेक्सा पजल को, एंड इसके थ्रू आप अपना प्रॉफिट पर हवर इंक्रीज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा गेम प्ले, तो यहाँ पर ना ये जो आपका जितना भी रहेगा ये प्रॉफिट पर आवर रहेगा, और आप बहुत ज़्यादा हेक्सा पजल खेलेंगे तब भी आपका एक यहाँ पर एक भी आपका डायमंड नहीं बनेगा। उसके लिए आपको कम से कम खेलना होगा 1 से 2 घंटा, तब आपका 2-3 यहाँ पर डायमंड बनेगा। ओके, तो टफ हो चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा है। अब यहाँ पर आप एक की लेंगे तो एक की के लिए आपको पजल आप खेलेंगे तो आपको की नहीं मिलेंगी, बल्कि यहाँ पर अब आपको अगेन डायमंड देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स को अगर रेफर कर रहे हो तो यहाँ पर आप जो भी अपने फ्रेंड्स को रेफर करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि अभी इन्वाइट अ फ्रेंड, तो आप अगर अपने फ्रेंड को इन्वाइट करते हो तो भाई 0.1 फॉर योर फ्रेंड, मतलब कि काफ़ी कम मिलेगा। और अगर कोई टेलीग्राम का प्रीमियम यूज़र है तो 0.3 उसको मिलेगा। मतलब कि गेम कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, बकवास रद्दी बेकार है। अगर आपके पास टाइम है तो प्ले करो, अगर आप में धमक है तो गेम को अनइंस्टॉल मार दो, बंद कर दो, दूसरा कोई भी गेम खेलो। हो सकता है कि इसको सबक मिले और ये अच्छे तरीके से गेम को फेयर तरीके से ये खुद लोगों के साथ में प्ले करे तो बढ़िया रहेगा, कि भाई यहाँ पर हम एक अलग तरीके से ये जो पूरा जो टैप टू अर्न वाला सिचुएशन है इसको इसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया। और यहाँ पर आप जब टैप करेंगे ना तो मेरे इसमें तो रेड बता रहा है, दूसरे इसमें ब्लू बता रहा है, तो ये भी इसने सिनेरियो चेंज कर दिया है। तो भाई ये सारी चीज़ें कम्प्लीटली गलत है यार। सो वीडियो तो मैंने बनाया है इसलिए ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि भाई चीटिंग इज़ बैड, जिन लोगों को आया है वो लोग अब नए वर्जन में अच्छे तरीके से खेल सकते हैं नए सीज़न में। बट जो पुराने लोग हैं भाई, अगर आप लोगों के पास में बहुत सारा अगर टाइम है तो आप ये गेम्स को प्ले करो। यहाँ पर आपको कीज़ मिलेंगी, एंड ये की आपको एक एक की यहाँ पर एक एक डायमंड देगी, तो आपको 4 डायमंड मिलेंगे। एंड डायमंड की वैल्यू मैंने आपको बताया है प्रीवियस आपके कॉइन्स के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डेली के, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर जो डायमंड है, अगर आप पूरे गेम अगर खेलेंगे तो भाई डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आप डायमंड बना पाएंगे। बट पूरे गेम खेलने के लिए आपको सारा दिन इसी में पड़ा रहना पड़ेगा। अगर कंप्लीट करने के बाद भी अगर रोज़ के अगर आपको 300 रुपये भी अगर मिल रहे हैं तो आपको एक महीने के 18,000 रुपये होंगे। ओके, सॉरी 300 अगर आपको अगर मिल रहे हैं तो 9,000 रुपये हो रहे भाई, और 9,000 रुपये अगर आप एक महीने में अगर कमाएंगे और सारा दिन इसमें अगर आप लगे रहेंगे तो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। इससे बढ़िया आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो या फिर आप अपना कोई दूसरा काम करो, क्योंकि सारे लोग आए हैं हैमस्टर कॉम्बैट की वजह से ही इस फील्ड में, और भाई हैमस्टर कॉम्बैट ही अब सब लोगों को भगा देगा प्ले टू अर्न या फिर टैप टू अर्न प्लेटफॉर्म से। बस इतना ही मैं सोचता हूँ कि भाई जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो उनके नीति पर चले, इसके नीति पर बिल्कुल ना आए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ सभी का लॉस होगा और ये पूरा ब्लॉकचेन ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी ये जो चेन चल रही है इनकी प्ले टू अर्न या फिर टैप टू अर्न वाले की, वो ख़त्म हो जाएंगी। सो मुझे इस वीडियो के अंदर यही बोलना था। अब हो सकता है कि मैं काफ़ी कम वीडियोस अपलोड करूं हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर, या फिर ये भी हो सकता है कि अभी मैं ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड करूं अगर मुझे व्यूज़ मिलते हैं, तो वो डिपेंड करेगा मेरे व्यूज़ के ऊपर। बट मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा, अनइंस्टॉल अवर डिलीट योर हैमस्टर कॉम्बैट अकाउंट नाउ। सो होप करता हूं कि आपको वीडियो बढ़िया लगेंगे, सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।